एक और नया दिन और एक और नई कार। स्वागत है आप सबका कार्केटिक की एक और नई वीडियो में। और आज हम दिखाने जा रहे हैं स्टाइल एंड परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन। जिस कार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है होंडा की अमेज। और आज हम खड़े हुए हैं लाली होंडा पे और ये लुधियाना में बहुत ट्रस्टेड सेलर्स हैं। 25 ईयर से इनका शोरूम यहाँ पे चल रहा है। इनका टोल फ्री नंबर है 9815422225। अगर इनकी और भी कार देखनी हो तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और इनकी और भी ब्रांचेस है लाइक इन जलंधर, अमृतसर, पटियाला, संगरूर, रोपड़, और आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। और आज इसके बारे में बात करते हैं, होंडा अमेज के बारे में। VX ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कार्स की अपडेट आप मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। VX ऑटोमेटिक CVT मॉडल जो टॉप एंड मॉडल है। और इसके एक्सटीरियर की बात करते हैं, फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट में आप प्रोजेक्टर लैंप सेटअप मिलता है पूरा, और उसके साथ ही नीचे आपको डे टाइम रनिंग लाइट मिलती है, इंडिकेटर। और आपको पता ही है होंडा का डिजाइन लैंग्वेज बड़ी सी क्रोम की ग्रिल। चाहे इनकी सिटी कार ले लो, चाहे कोई भी कार ले लो, इनका डिजाइन लैंग्वेज यही है, बड़ी सी क्रोम की टिप देते हैं फ्रंट में होंडा का लोगो। और यहाँ पर भी पतली सी 2 स्ट्रिप दी है, और नीचे आपको फॉग लाइट मिलती है, और यहाँ पे एरोडायनामिक के लिए वेंट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर भी आपको क्रोम टिप मिलती है जो इसकी लुक को बहुत इनहेंस करती है फ्रंट से। और थोड़े से ना फेंडर्स टाइप लुक दिया है, स्पोर्टी टाइप, जो इसको स्पोर्टी लुक देती है। और अगर इधर की साइड आते हैं हम, यहाँ पे आपको अलॉय व्हील मिलता है 15 इंचेस का, और ये डायमंड कट शेप में आता है, और इसका टायर साइज है 175/65। और यहाँ पे फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक मिलती है। ऑटो फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर भी मिलता है, को ड्राइवर साइड एंड ड्राइवर साइड भी मिलता है। बड़ा सा ग्लास एरिया है जो इसके इंटीरियर को बहुत रूमी सा फील देता है। और यहाँ पे आपको 35 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। मैं बताना चाहूंगा इसमें सिर्फ पेट्रोल वेरियंट आता है, ना डीजल आता है ना CNG आता है। अब इसका बूट ओपन करते हैं। 420 लीटर की आपको इसके अंदर बूट स्पेस मिलता है, और नीचे आपको लगेज लैंप मिलता है, और पूरा इंसुलेटेड है अंदर से, बढ़िया है। और इसको अगर हम उठाएं तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलता है, और यहाँ पे आपको टूल किट भी मिलती है। अब इसके बैक लुक के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको LED सेटअप मिलता है पूरा बैक लाइट में, और यहाँ पे हलोजन आपको इंडिकेटर मिलता है होंडा का लोगो। नीचे आपको पार्किंग कैमरा मिलता है विद 4 पार्किंग सेंसर्स, 1, 2, 3 एंड 4। IVTEC की बैजिंग, यहाँ पे अमेज की बैजिंग, यहाँ पे आपको डिफॉगर मिलता है, बैक लाइट स्टॉप लैंप, और यहाँ पे शार्क फिन एंटीना, और नीचे आपको थोड़ी सी प्रीमियम टच देने के लिए क्रोम की फिनिश दी गई है। तो हमने इंजन कंपार्टमेंट खोल दिया, 1 of the refined engine IVTEC। इसमें आपको 1200cc का IVTEC 4-cylinder पेट्रोल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 88 BHP एंड 110 Nm टॉर्क। और ये 1 of the refined इंजन है होंडा का, और इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिलता है, ना CNG है ना डीजल है, और ये कॉम्पैक्ट सेगमेंट में आती है सेडान। और इसकी इंसुलेशन अगर बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में आप देख सकते हैं, इंजन में बिल्कुल इंटीरियर में आपकी बिल्कुल भी नॉइस ना जाए, तो यहाँ पे पूरा इंसुलेट किया है। लेकिन थोड़ी सी कमी मुझे यहाँ पे लगी है, यहाँ पर भी इनको इंसुलेट करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। बैटरी की प्लेसमेंट यहाँ पे मिलती है, और फ्लूइड और इंजन ऑयल की प्लेसमेंट यहाँ पे है। इंटीरियर की बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, इनकी जो न्यू SUV है एलिवेट, वो लॉन्च हो चुकी है और इनके शोरूम पे नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। इसका रिव्यू हम जल्दी ही अपने चैनल पे लेके आएंगे जैसे ये शोरूम पे आ जाती है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अगर आपने ये कार खरीदनी हो या फिर इसको बुक करना हो तो बुकिंग ओपन है। नंबर नीचे आपको दिया है प्रेस्टीज होंडा, टोल फ्री नंबर 9815422225। अगर आपने इसको शोरूम पे आके देखना तो आप लाली मोटर्स विजिट कर सकते हैं, इनकी लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। अब हम टुवर्ड हमारी इंटीरियर पे चलते हैं। इंटीरियर की बात करने से पहले हम आपको इसकी की दिखाना चाहेंगे, लॉक अनलॉक एंड बूट। बूट होल्ड करके रखेंगे तो बूट खुल जाएगा। रिक्वेस्ट सेंसर, यहाँ पे आपको डुअल टोन इंटीरियर मिलता है, बेज कह सकते हैं, हाँ बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट दिया आपको, सिल्वर एक्सेंट का ही डोर ओपनर है, ग्रैब हैंडल विद 4 विंडो पावर विंडोज के कंट्रोल,
इधर की साइड आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन मिलती है, लॉक अनलॉक एंड चाइल्ड लॉक सेफ्टी का बटन, ORVM से कंट्रोल। 1 लीटर की बोतल यहाँ पे आराम से आ जाएगी और सिर्फ स्पीकर मिलता है आपको, ट्विटर इसमें नहीं मिलता है। अब इसके इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर में यहाँ पे आपको देख सकते हैं हेडलाइट लेवलर मिलता है और स्टार्ट स्टॉप का बटन और 6वें आपको एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं। बैठ के दिखाता हूँ, इसको हम नीचे कर सकते हैं और पीछे कर सकते हैं और इसको हम रिक्लाइन भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर आइए, अंदर आके दिखाते हैं आप। इंटीरियर में हम आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर साइड स्टेयरिंग की बात करते हैं। डी कट स्टेयरिंग व्हील आपको नहीं मिलता, फुल राउंड मिलता है और यहाँ पे आपको सिल्वर एक्सेंट मिलता है चारों तरफ और यहाँ पे आपको इस स्क्रीन के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं, टेलीफोनी, वॉइस असिस्टेंट एंड वॉल्यूम अप डाउन और बाकी सब कुछ। और इसमें आपको पैडल शिफ्टर मिलते हैं बिकॉज इट्स CVT मॉडल। वाइपर कंट्रोल्स, हेयर आर लाइट कंट्रोल्स, स्टेयरिंग व्हील को अप डाउन कर सकते हैं, रीच इसमें नहीं है। एनालॉग आपको इसका मीटर मिलता है, सेंटर में MID मिलती है और यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिलती है। हजार्ड बटन, जो मैंने यूनिक चीज देखी, जो इसके AC वेंट्स हैं वो ऊपर हैं, मोस्ट ऑफ द कार्स में नीचे होते हैं। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है। इधर की साइड आपको सिल्वर एक्सेंट मिलता है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो सफिशियंट स्टोरेज है, कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आपको IRVM मिलता है डिमिंग के साथ, 2 हेलोजन लाइट्स। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर नहीं मिलता, यहाँ पे डिसअपॉइंट हुआ हूँ, मिनिमम टिकट होल्डर देना चाहिए था। इधर के साइड आपको वैनिटी मिरर मिलता है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, पावर आउटलेट, और इधर आपको USB पोर्ट मिलता है और उसको भी कवर किया। मोस्ट ऑफ द कार्स में मैंने देखा है कि कवर नहीं करते हैं, लेकिन इसको भी कवर किया हुआ है। 2 USB पोर्ट्स, 2 कप होल्डर्स मिलते हैं और थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस। CVT गेयर बॉक्स मिलता है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिलती है, कुछ भी रख सकते हैं, हमने तो कीज रखी हुई है। मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है और थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस। और तो इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। इसका मीटर स्वाइप ना बहुत बढ़िया होता है, दिखाते हैं अभी। यहाँ पे आपको मिलता है बटन, ये देखिए कितना बढ़िया स्वाइप हुआ। और इधर की साइड आपको RPM मीटर का कंट्रोल मिलता है, उधर स्पीड और बाकी कंट्रोल्स दिखा रहा है MID में, जैसे फ्यूल एंड टाइम और बहुत सारी चीजें। और इधर की साइड आपको टच स्क्रीन मिलती है 9 इंचेस की, इसके कंट्रोल दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑडियो, USB एंड बाकी सारे कंट्रोल मिलते हैं। एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो मिलता है इसके अंदर और बाकी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। अब इसके बैक सीट पे चलते हैं और बैक का कंफर्ट दिखाते हैं। तो पीछे हम बैठ चुके हैं, बड़ा सा आपको विंडो साइज मिलता है जो इसको बहुत रूमी सा फील देता है। ग्रैब हैंडल, यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट मिलता है। और आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था, आगे आपको ट्विटर्स नहीं मिलते हैं, इसके अंदर 4 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है। और अगर इसके लेग रूम की बात करें तो मैंने जो आगे वाली सीट है वो मेरे हाइट से एडजस्टेड थी, 5.8 मेरी हाइट है और लेग रूम आप देख सकते हैं बहुत सफिशियंट है। अगर हाइट की बात करें तो हेड रूम भी सफिशियंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, AC वेंट्स नहीं मिलते हैं, स्टोरेज स्पेस मिलती है। और यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिलती है विद 2 कप होल्डर्स, हेड रेस्ट मिलते हैं लेकिन वो एडजस्टेबल नहीं है, 2 हेड रेस्ट हैं। और यहाँ पे आपको फैब्रिक की सिटिंग मिलती है, आगे भी आपको फैब्रिक की सीट्स मिलती हैं। असोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट मिलता है, 3-पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है आपको। बाकी जो इसके सेफ्टी फीचर्स हैं और वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो यही था हमारा छोटा सा रिव्यू रिगार्डिंग होंडा मेज। बाकी आप बताइए आपको कैसे लगी ये कार। कॉम्पैक्ट सेडान के सेगमेंट में ये कार आती है और इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 7 लाख से और टॉप मॉडल की कीमत है 10 लाख रुपीज एक्स शोरूम। बाकी ऑन रोड प्राइस आपको यहाँ आके पता लग जाएगा। अगर आपने ये कार खरीदनी हो या होंडा की कोई भी कार खरीदनी हो, आप विजिट कर सकते हैं लाली मोटर्स। इनका जो एड्रेस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। 25 ईयर से इनका शोरूम लुधियाना में है और ये बहुत ट्रस्टेड सेलर है लुधियाना के। बाकी अगर और भी कोई जानकारी लेनी हो तो इनका टोल फ्री नंबर है 9815422225। और बाकी अगर आपको ये कार बढ़िया लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कार्स की अपडेट आप मिस ना करें। तो मिलते हैं एक और नए दिन और एक और नई कार के साथ, गुड बाय। और हमारा फेसबुक पे भी चैनल है कार्स क्रिटिक के नाम से, आप डिस्क्रिप्शन में जाके या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और हमारी प्यारी दुलारी होंडा एलिवेट आ रही है, इसकी वीडियो जल्दी हमारे चैनल पे आएगी, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।